आइए बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एलो पॉलीप्लोइड्स के बारे में। एप्लीकेशंस देखते हैं हम लोग, ठीक है। एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन के अंदर बेसिकली हम लोग इसकी स्टडी करते हैं कि जो कि नेचर के अंदर नॉर्मली नेचुरल अकरिंग जो एलो पॉलीप्लोइड्स होते हैं उनका ओरिजिन कैसे हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, एलो पॉलीप्लोइडी की हेल्प से क्या करते हैं उसको जानने की ट्राई करते हैं, ठीक है, कि नेचुरल जो एलो पॉलीप्लोइड्स हैं उनका ओरिजिन कैसे हुआ है, ठीक है। तो उसके अंदर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि एक जो हमने देखा टिटिकम स्पेल्टा जो है एक क्या है, वीट की स्पीसीज है, ठीक है। टिटिकम स्पेल्टा क्या है, एक वीट की स्पीसीज है, ठीक। इसका ओरिजिन कैसे हुआ है बेसिकली कि हमने जानने की कोशिश की है, जब टिटिकम डाइकोइड्स के बीच में क्या करवाया गया, डाइकोकोइड्स के बीच में जब क्रॉस करवाया गया, टिटिकम डाइकोकोइड्स और एजिलॉप्स स्क्वारोसा के बीच में जब क्रॉस करवाया गया, ठीक है, तब हमें क्या मिला, तब हमें टिटिकम स्पेल्टा का जो ओरिजिन है हमें पता चला कि इस टाइप से वो ओरिजिनेट हुई है। आइए देखते हैं कैसा हुआ कि टिटिकम डाइकोकोइड्स जो है, ठीक है, उसके अंदर जो सोमेटिक सेल है, ठीक है, उसके अंदर बेसिक क्रोमोसोम कितने हैं, दो सेट है उसके पास, दो बेसिक सेट है क्रोमोसोम के, एक ए है एक बी है, ठीक है, और दोनों अपनी अपनी पेयर के फॉर्म में है, इसलिए क्या बोला उसको, टू एन बोला। और बेसिक क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो एक सेट में कितना होता है, सेवन होता है, ठीक है। इसके पास दो सेट है तो सेवन और सेवन कितना हो गया, 14, और डबल फॉर्म में सेवन 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 टोटल कितने हो गए, 28, ठीक है। तो 2n कितना है इसके पास, मतलब सोमेटिक सेल के अंदर टोटल क्रोमोसोम के नंबर कितने हैं इसके पास में, 28 नंबर है क्रोमोसोम का, ठीक। समझ आई आपको इतनी बात, ठीक है। और ये जो स्पीसीज है बेसिकली टिटिकम डाइकोकोइड्स जो है ये क्या है, ये एक टेट्राप्लोइड स्पीसीज है, ये क्या है, एक टेट्राप्लोइड स्पीसीज है। टेट्राप्लोइड हम लोग इसको क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, टेट्राप्लोइड इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके पास टोटल तो चार सेट है ना, इसके पास टोटल तो चार सेट है, दो ए सेट है और दो ही बी सेट है, क्लियर, तो टेट्राप्लोइड है ये। और जो एजिलोप स्क्वारोसा है, ठीक है, एजिलोप स्क्वारोसा जो स्पीसीज है, ठीक, इसके अंदर जो हम लोग क्या करें इसको, इसके जो सेट्स हैं, ठीक है, 2n है ये, इसके अंदर जो सेट हम लोग इसको डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। और जो बेसिक नंबर होता है क्रोमोसोम का वो कितना होता है इनके अंदर, बेसिकली टिटिकम की स्पीसीज के अंदर बेसिकली क्या होता है, या फिर क्रासेस की स्पीसीज के अंदर, इसके अंदर भी कितना है, सेवन है, ठीक। और सेवन जो है क्लियर वो डबल के फॉर्म में, मतलब 7 × 14, तो उसके पास कितने हैं, उसके पास दो सेट प्रेजेंट है, क्लियर, ये डिप्लोइड है, ये डिप्लोइड है, ठीक। और कौन से हम लोग इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो मतलब 7 7 14, क्लियर। अब जब इनके बीच में क्रॉस करवाया गया, ठीक है, हमें जानना क्या था कि टिटिकम जो स्पेल्टा है नॉर्मली नेचर के अंदर नेचर के अंदर हमें मिलती है उसका ओरिजिन कैसे हुआ है। तो हमने देखा कि इनके बीच में जब क्रॉस करवाया गया तो हमें जो F1 हाइब्रिड मिला, ध्यान से बात सुने, जो F1 हाइब्रिड मिला वो क्या है, ट्रिप्लोइड है, वो क्या है, ट्रिप्लोइड है। ट्रिप्लोइड कैसे है कि यहाँ पर जो गैमेट बनेगा, यहाँ पर एक सेट ए आएगा एक सेट ए आएगा, ठीक है, गैमेट के अंदर, क्लियर, एकदम क्लियर। इधर क्या हो जाएगा कि इधर से एक सेट ए आएगा डी वाला, ठीक है। जब इनके बीच में जब ये फ्यूजन होगा तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये डिप्लोइड ना बने, ये डिप्लोइड ही होगा, ये क्या होगा, डिप्लोइड ही होगा, क्योंकि दो गैमेट फ्यूज कर रहे हैं और गैमेट हैप्लोइड होते हैं, आपको बात समझ आई होगी, गैमेट हमेशा हैप्लोइड होते हैं। हैप्लोइड वर्ड का मतलब क्या होता है कि सोमेटिक सेल का एग्जैक्ट हाफ जो क्रोमोसोम है वो किसके अंदर हो, गैमेट के अंदर हो, तो मतलब ये भी हैप्लोइड गैमेट है, ये भी हैप्लोइड गैमेट है, और हैप्लोइड हैप्लोइड मिलके डिप्लोइड बनाते हैं। और इसके अंदर हैप्लोइड कितने आएंगे, बेसिकली इसके अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम होंगे, इसके अंदर 14 क्रोमोसोम होंगे, इसके कितने अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे, इसके अंदर 7 क्रोमोसोम होंगे, 7 और 14 कितने मिल गए हमें, 2n = 21 मिल गया, ठीक, समझ आए आपको भाई बात, ध्यान से बात सुने, गैमेट हमेशा हैप्लोइड होते हैं। हैप्लोइड हम किसको बोलते हैं, सोमेटिक सेल का एग्जैक्ट हाफ जो गैमेट के अंदर नंबर होता है क्रोमोसोम का उसको हम लोग हैप्लोइड बोलते हैं, ठीक। तो अब आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा कि जो टिटिकम एस्टिवम है बुक के अंदर उसको क्या लिखा गया है, 2n = 3x = 42 लिखा गया है। अब आपको ये टर्म एकदम क्लियर हो गई होगी कि उसको ऐसा क्यों लिखा गया है, ठीक, क्लियर, मोनोप्लोइडी के अंदर उसको ऐसा लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, क्योंकि उसकी सोमेटिक सेल के अंदर क्या है,
वो डिप्लॉइड सेल, ठीक है। डिप्लॉइड के अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम हैं? 42 क्रोमोसोम है उसके अंदर, ठीक है। हमने एग्जांपल देखा था, क्लियर। हम लोग चलो उसको इसी में समझ लेते हैं कि उसके अंदर क्या है। ये भी एक्साप्लोइड है और ट्रिटिकम की क्या थी, एक्साप्लोइड थी। तो उसके अंदर 2n का मतलब क्या था कि जितने भी क्रोमोसोम के सेट प्रेजेंट है ना, वो अपनी पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, डबल फॉर्म में प्रेजेंट है, तो वो क्या हो गया, वो 2n हो गया, क्लियर। और टोटल कितने सेट प्रेजेंट थे वहां पर भी, वहां पर भी हमने यही कंडीशन देखी थी, ठीक है। तो उसके अंदर भी क्या था, सेम बेसिक सेट। बेसिक सेट वहां पर कितने थे? 3 बेसिक सेट थे, ठीक, ए बी एंड सी। अब बेसिक सेट जो है उसके अंदर क्या होते हैं, बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और हम लोग इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, उसके पास में 3 सेट थे, सेम टू सेम यही कंडीशन थी। यहां पर भी क्या है, 3 सेट हैं, बेसिक सेट जो है वो कितने हैं, 3 हैं, तो 3x हैं। और तीनों के तीनों जो हैं वो डबल फॉर्म में प्रेजेंट हैं, मतलब 3x इंटू 2 क्या हो गया, 6x, ठीक है, क्या हो गया वहां पर, 6x। और 6x जो है उसके अंदर क्या है, बेसिकली 3x ये हैं और 3x और होंगे, 3x ये हैं, तो इनके बीच में तो पेयरिंग हो सकती है ना, समझे बात, इनके बीच में पेयरिंग हो सकती है। तो 3x ये, 3x ये, तो ये क्या हो गया, टोटल डबल हो गए, ठीक है, डबल है। और 1x का मतलब क्या होता है, 7, ठीक है, 7 थ्रीजा 21, ठीक है। और इधर भी क्या होता है, 7 थ्रीजा 21, तो मतलब कितना हो गया टोटल, 42। अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि हेक्साप्लोइड क्या है, डिप्लोइड क्या है, हैप्लोइड क्या है, मोनोप्लोइड क्या है, क्लियर। चलिए इसके ऊपर अब और चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि काफी हो चुका है इसके ऊपर, ठीक। ये आपको समझ आया होगा कि जब यहाँ पर F1 हाइब्रिड जो हमें मिला वो 2n था, 21 क्रोमोसोम थे, जब इसको कोलचिसिन से ट्रीट कराया गया तो हमें हेक्साप्लोइड जो स्पीसीज मिली ट्रिटिकम स्पेल्टा की, ठीक है, उसके अंदर कितने थे, टोटल 42 क्रोमोसोम थे और वो क्या है, 2n है, क्लियर। ये हमने एग्जांपल देखा कि जो हमारे पास नेचर के अंदर नॉर्मली अकरिंग, जो नेचुरल अकरिंग जो स्पीसीज हैं उनका ओरिजिन कैसे हुआ है। इसके अलावा एप्लीकेशंस इसके और क्या कुछ हैं एलोपॉलीप्लोइडी के, कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपनी मनपसंद जो वैरायटी है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे। देखिए जो निकोटियाना टबैकम है, ठीक है, हम लोग इसके जो इवोल्यूशन है, सॉरी इसके कंदर क्या है, इसके यूजेस जो हैं एलोपोलिप्लोइडी के वो भी देखने वाले हैं। निकोटियाना टबैकम जो है उसको टोबैको मोजेक वायरस का काफी ज्यादा खतरा आ जाता है, ठीक है, उसको वो का है काफी ज्यादा ससेप्टेबल है, कौन, निकोटियाना टबैकम, क्लियर। और निकोटियाना दूसरी स्पीसीज जो मैंने ली वो कौन सी स्पीसीज ली, निकोटियाना ग्लूटिनोसा, ठीक है। इन दोनों के बीच में जब क्रॉस करवाया तो यहाँ पर 2n इज इक्वल टू 28, यहाँ पर 2n इज इक्वल टू 24, ठीक है। गैमेट के अंदर यहाँ पर कितने जाएंगे, यहाँ पर हाफ हो जाएगा, ठीक है, 14। इधर कितने जाएंगे गैमेट के अंदर, 12, ठीक है, तो 12 और 14 कितना हो गया, 26, क्लियर। लेकिन ये क्या है, ये स्टेराइल है, ये क्या है, स्टेराइल है। ये स्टेराइल क्यों है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग स्पीसीज के नॉन होमोलोगस हैं। जब इनको कोलचिसिन से ट्रीट करवाया जाता है, जब इनको कोलचिसिन से ट्रीट करवाया जाता है, तब हमें क्या मिलता है, निकोटियाना डिग्लुटा की जो स्पीसीज है वो मिलती है, और वो क्या है, टेट्राप्लोइड है, वो क्या है, टेट्राप्लोइड है, ठीक है। उसके अंदर क्या है, 4 सेट प्रेजेंट है वहां पर, क्लियर, क्योंकि यहाँ पर ये क्या था, 2n था, वो इधर क्या हो जाएगा, ये 4n हो जाएगा जब इसकी क्या करेंगे हम लोग, कोलचिसिन से इसको ट्रीट करवाएंगे, क्लियर। तो इस टाइप से क्या है, निकोटियाना डिग्लुटा का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट जो इसका बात करते हैं हम लोग इसके सिग्निफिकेंस के बारे में, एलोपोलिप्लोइडी के सिग्निफिकेंस के बारे में, ठीक। आइए देखते हैं क्या है कि इसका एवोल्यूशन के अंदर काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस है, एवोल्यूशन के अंदर क्या है, एलोपोलिप्लोइडी का काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस है, ठीक। इसके अंदर क्या है, एवोल्यूशन में, ठीक, एवोल्यूशन के अंदर इसका क्या सिग्निफिकेंस है। बेसिकली जब होता क्या है कि जब एलोपोलिप्लोइडी जब नेचर के अंदर कॉज होती है, जब नेचर के अंदर एलोपोलिप्लोइडी कॉज होती है, तब हमें वहां पर क्या देखने को मिलता है कि जो नेचर के अंदर नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाता है, क्या होता है कि नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाता है, और जो नई स्पीसीज होती है उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि विगरस ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, विगरस ग्रोथ देखने को मिलती है, ठीक है। उसका क्या होता है, लार्ज साइज होता है, लार्ज साइज होता है, ठीक है। डिजीज रेजिस्टेंस वो क्या होती है, स्पीसीज होती है, क्लियर। इस टाइप से क्या है, और वो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या कर सकती है, ग्रो भी कर सकती है, ठीक। तो ये क्या, एवोल्यूशन के अंदर उसका सिग्निफिकेंस है। इसके अंदर अलावा हम लोग बात करें कि एग्रीकल्चर के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर भी क्या है, काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस है एलोपोलिप्लोइडी का, क्लियर।
कैसे कि वहां पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने बात की थी कि जो ब्रेड व्हीट है, ठीक है, ब्रेड व्हीट किसको बोलते हैं, बेसिकली जो ट्रिटिकम मैस्टिवम उसी को बोलते हैं, उसको हमने कैसे प्रोड्यूस किया है, उसको हमने एलो पॉलीप्लोइडी से प्रोड्यूस किया है, ठीक है। उसके अंदर जो ग्रेन्स हैं, ठीक है, जो ग्रेन्स हैं उनका साइज बड़ा होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, जो ग्रेन्स हैं उनका साइज बड़ा होता है, क्लियर। और हाइब्रिडाइजेशन से हमने क्या किया, उसको प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो ये क्या है, उसका एग्रीकल्चर के अंदर बेसिकली रोल है उसका, ठीक। अब है क्या कि वो उसका जो प्रोडक्शन है वो भी ज्यादा होता है, ठीक है, प्रोडक्शन ज्यादा होता है और डिजीज रेजिस्टेंस हमको उसमें देखने को मिलती है, ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग बात करें कि डिजीज रेजिस्टेंस, जो डिजीज रेजिस्टेंस क्रॉप है वो हमें देखने को मिलती है, कैसे, एलो पॉलीप्लोइडी के अंदर हमने बात की कि जो निकोटियाना डिग्लुटा है, ठीक है, निकोटियाना डाइग्लुटा जो है ये क्या है, डिजीज रेजिस्टेंस है, ये क्या है, डिजीज रेजिस्टेंस है, क्लियर, जो कि सुपीरियर है निकोटियाना टबैकम से, ठीक। तो ये क्या है, कुछ एक सिग्निफिकेंस है इसके, इसके अलावा कुछ एक क्या है और भी ज्यादा सिग्निफिकेंस है, जैसे कि जो फ्लावर्स हैं, ठीक है, जो फ्लावर्स होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं, ऑर्नामेंटल जो फ्लावर्स होते हैं, साज सज्जा वाले जो फ्लावर होते हैं बड़े साइज के होते हैं, जो फ्रूट्स हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, फ्रूट्स की कमर्शियल वैल्यू ज्यादा होती है क्योंकि साइज बड़ा हो जाता है, और जो फ्रूट के अंदर सीड होते हैं उनके अंदर सीड्स को एब्सेंट कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे जो वाटरमेलन है, वाटरमेलन के अंदर जिसके अंदर 33 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ये सीडलेस वेराइटी है, ये क्या है, सीडलेस वेराइटी है, ठीक है, इसलिए इसकी क्या है कि हाई कमर्शियल वैल्यू है, इसकी हाई कमर्शियल वैल्यू है, क्लियर। तो ये क्या है, एलो पॉलीप्लोइडी के कुछ एक सिग्निफिकेंस है। इसके अलावा हम लोग बात करें कि जो फ्लावर्स हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं, ठीक है, बड़े फ्लावर्स होते हैं, इसलिए ये सारे के सारे सिग्निफिकेंस किसके थे, हमने बात की कि एलो पॉलीप्लोइडी है। आइए बात करते हैं एनोप्लोइडी के बारे में, हमने अभी तक पॉलीप्लोइडी के बारे में पढ़ा है, ठीक है। पॉलीप्लोइडी के अंदर क्या होते हैं कि जो सेट होता है क्रोमोसोम का पूरा वो डबल हो जाता है, ठीक है, ट्रिपल हो जाता है, 4 टाइम्स हो जाता है, या फिर जो पूरा पूरा क्रोमोसोम का सेट है वो गायब हो जाता है, ठीक है। तो उसे हमने क्या बोला कि मोनोप्लोइडी बोला, टेट्राप्लोइडी बोला बोला, ठीक है, ट्राइप्लोइडी बोला, हेक्साप्लोइडी बोला, क्लियर। लेकिन एनिप्लोइडी के अंदर जो सिनेरियो है वो अलग है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि चेंज इन होल सेट, पॉलीप्लोइडी के अंदर क्या होता है, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ होल सेट, ठीक है, पूरा का पूरा सेट जो है उसका नंबर चेंज हो जाता है। लेकिन एन्यूप्लोइडी के अंदर क्या होता है, इंडिविजुअल क्रोमोसोम जो होता है सेट में, ठीक है, इंडिविजुअल क्रोमोसोम, क्रोमोसोम प्रेजेंट इन सेट, प्रेजेंट इन सेट, सेट के अंदर एक क्रोमोसोम जो प्रेजेंट है वो या तो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, ये कंडीशन बनेगी, ठीक है। लेकिन वहां पर क्या था, वहां पर 2n से 3n कंडीशन बन रही थी, ठीक है, 4n कंडीशन बन रही थी, मान लीजिएगा 2n 10 है, ठीक है, तो 3n क्या हो जाएगा, 30, 4n क्या हो जाएगा, 40। लेकिन ये पॉलीप्लोइडी का केस है, एन्यूप्लोइडी के अंदर क्या होगा कि यहां पर तो बढ़ रही है चीजें, ठीक है, लेकिन एन्यूप्लोइडी के अंदर क्या होगा कि मान लीजिए कोई क्रोमोसोम है, ठीक है, मान लीजिए 8th पेयर है, ठीक है, हम लोग ऐसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, 8th पेयर है मान लीजिए क्रोमोसोम का, ठीक है, फिर एक सेट में जो कि डिप्लोइड सेट है उसके अंदर 8th पेयर है, ठीक है, उसके अंदर हो क्या रहा है कि एक क्रोमोसोम और ऐड हो रहा है, ठीक है। यहां पर देखिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम मल्टीपल के फॉर्म में बढ़ रहे हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, अगर यहां पर डिप्लोइड ऑर्गेनिज्म के अंदर 10 क्रोमोसोम है, ठीक है, सॉरी कितने, 20 क्रोमोसोम है, डिप्लोइड ऑर्गेनिज्म के अंदर 20 क्रोमोसोम है, तो यहां पर क्या हो जाएंगे, +1 होने के कारण 21 हो जाएंगे, लेकिन इधर अगर कोई चीज प्लस होती थी तो वो मल्टीपल की फॉर्म में बढ़ रही थी। तो आइए बात करते हैं एन्यूप्लोइडी के बारे में। एन्यूप्लोइडी जो होती है वो बेसिकली दो टाइप की होती है, हाइपोप्लोइडी और हाइपरप्लोइडी, हाइपोप्लोइडी और हाइपरप्लोइडी, ठीक है, हाइपोप्लोइडी और हाइपरप्लोइडी। हाइपोप्लोइडी के अंदर क्या होगा कि जो इंडिविजुअल क्रोमोसोम है पेयर में से, होमोलोगस जो पेयर होता है क्रोमोसोम का, एक डिप्लोइड सेट जो है उसके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो होमोलोगस पेयर में होते हैं, उन होमोलोगस पेयर में अगर कोई क्रोमोसोम गायब हो रहा है तो वो क्या है, वो हाइपोप्लोइडी है, ठीक। और हाइपोप्लोइडी को हम लोग कैसे शो करते हैं, 2n सेट है, ठीक, कंप्लीट डिप्लोइड सेट है, उसमें से एक क्रोमोसोम कम हो गया, तो ये क्या है, ये है मोनोसोमी, क्योंकि ये मान लीजिए क्या था, एक सेट था उसमें से क्या है कि एक क्रोमोसोम गायब हो चुका है, सिर्फ एक बचा है, तो ये क्या है, एक बचा है तो मतलब मोनोसोमी, ठीक है, ये सिर्फ एक ही बचा है तो मोनोसोमी, ठीक है। और अगर मान लीजिए पूरा का पूरा सेट जो पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम का, ये पूरा का पूरा पेयर ही गायब हो जाता है, तो ये क्या है,
ये क्या है नलिसोमी है, क्या है 2n-2, ये क्या है नलिसोमी। ठीक है, तो मतलब क्योंकि यहाँ पर इस पेयर में कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, निल कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो नलिसोमी है ये। ठीक, अगर मान लीजिए मोनोसोमी जो है वो दो जगह हो रही है, ठीक है, एक तो मान लीजिए 8th पेयर में हो रही है, एक 9th पेयर में हो रही है, तो दो जगह क्या है कि मोनोसोमी कंडीशन बन रही है, ये 8th पेयर है मान लीजिए, ये 9th पेयर है, ठीक है, दोनों में से एक एक क्रोमोसोम कम हो रहा है, एक इसमें से कम हो जाएगा, एक इसमें से कम हो जाएगा, तो मतलब वहां पर दो बार मोनोसोमी हो, तो वो क्या हो जाएगी डबल मोनोसोमी। हम लोग उसको कैसे शो करेंगे, 2n-1-1। ठीक, एक तो 8वें से गायब हो गया और एक 9वें से गायब हो गया पेयर में से। ठीक है, और ये होता क्यों है, चलो ये हमने हाइपोप्लॉइडी की बात की, अब हम बात करते हैं हाइपरप्लॉइडी की। हाइपरप्लॉइडी के अंदर क्या है कि क्रोमोसोम के अंदर जो डिप्लॉइड जो होमोलोगस सेट होता है क्रोमोसोम का, ठीक है, उसके अंदर क्या है कि जो पेयर होती है होमोलोगस क्रोमोसोम की, उसके अंदर जो क्रोमोसोम है वो ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐड हो जाते हैं तो कितने क्रोमोसोम हो चुके हैं, यहाँ पर 3 क्रोमोसोम हो चुके हैं, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ट्राइसोमी। क्लियर, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक और क्रोमोसोम ऐड हो जाता है तो ये टोटल कितने क्रोमोसोम हो चुके हैं यहाँ पर, 4, तो ये क्या हो जाएगी टेट्रासोमी, क्या हो जाएगी टेट्रासोमी। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर टेट्रासोमी कंडीशन नहीं हुई, एक 8th पेयर पे क्रोमोसोम ऐड हो गया और एक 9th पेयर पे क्रोमोसोम ऐड हो गया, तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर भी ट्राइसोमी है, यहाँ पर भी ट्राइसोमी है, तो डबल ट्राइसोमी, क्या हो जाएगी डबल ट्राइसोमी। ठीक, डबल ट्राइसोमी। अब देखिए हम लोग देखते हैं कि इनके अंदर बेसिकली होता क्या है, कि इनके अंदर इनका जो कारण है, कॉज है, वो क्या है। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जो नॉन डिसजंक्शनिंग है, नॉन डिसजंक्शनिंग है वो क्या है, इन सब का मेजर कारण है नॉन डिसजंक्शनिंग, क्योंकि जो क्रोमोसोम है वो पोल्स तक नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम जब पोल्स तक नहीं पहुंच पाएंगे एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम, तो वहां पर क्या हो जाएगा, नॉर्मल मान लीजिए कि ये क्या है, एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, इसके अंदर क्या है कि इस टाइप से जो क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है, इस टाइप से क्या है उसमें क्रोमोसोम प्रेजेंट है। क्लियर, जब इसके बीच में क्या होगा, जब इससे सेल्स बनेंगे, ठीक है, जब इसमें दो सेल्स बनेंगे, अगर तो नॉर्मल कंडीशन हो, ये दो सेल बन रही है इसमें से, अगर तो नॉर्मल कंडीशन हो तो क्या हो जाएगा इसमें, इस टाइप से एक क्रोमोसोम इधर चला जाएगा, एक क्रोमोसोम इधर चला जाएगा। ठीक है, ये है नॉर्मल कंडीशन, लेकिन मान लीजिए ऐसा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्पिंडल फाइबर होते हैं और ये पोल्स की तरफ खींचते हैं, और इसको तो पोल ने खींच लिया नॉर्मल कंडीशन के अंदर, इसको भी पोल ने खींच लिया, लेकिन एबनॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या होता है कि इस तरफ जो पोल है वो या तो क्रोमोसोम से जुड़ता नहीं है या कोई और कंडीशन हो जाती है, तो एक ही सेल के पास में क्या निकल जाते हैं, दोनों के दोनों क्रोमोसोम निकल जाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो चुका है, एक क्रोमोसोम ऐड हो चुका है, ठीक है, और यहाँ पर क्रोमोसोम कम हो चुका है, यहाँ पर +1 की कंडीशन बनी है, यहाँ पर -1 की कंडीशन बनी है। ठीक है, तो आपको ये समझ आया होगा कि ये क्यों होता है। ठीक है, क्लियर, तो +1 जो है ये ट्राइसोमी को रिप्रेजेंट करता है, जो -1 है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये मोनोसोमी को रिप्रेजेंट करता है। तो आइए हम लोग कुछ एक एग्जांपल देखते हैं कि हमें कहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, जो मोनोसोमी की कंडीशन है, जो मोनोसोमी की कंडीशन है इसको कहां पर देखा गया, मोनोसोमी की कंडीशन जो है, मोनोसोमी ह्यूमंस के अंदर कहां पर होती है, आप सबको पता होगा कि XO जो क्रोमोसोम है, ठीक है, 2X क्रोमोसोम है, वहां से अगर एक क्रोमोसोम गायब हो जाता है तो ये टर्नर सिंड्रोम हो जाता है, क्या हो जाता है टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। ठीक, इसके अलावा एक साइंटिस्ट, ठीक है, बैलिसी नाम क्या उनका, बैलिसी जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया था, एक क्रोमोसोम के अंदर बेसिकली जो बैलिसी नहीं है सॉरी, सार्स रैले और चैपमैन जो है, इन साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो वीट है, जो क्या है वीट है, ठीक है, वीट नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है वीट हेक्साप्लॉयड होता है, वीट क्या होता है नॉर्मली हेक्साप्लॉयड होता है। ठीक, उनमें इन्होंने क्या किया कि एक क्रोमोसोम कौन सा, 5th B क्रोमोसोम जो है, 5th B क्रोमोसोम, अब आपको बी का मतलब समझ आ रहा होगा, 5th B क्रोमोसोम क्या है, वहां से एक पेयर में से एक क्रोमोसोम गायब हो गया, तो 42-1 हो गया। ठीक है, 2n क्या थे, 42 थे, -1 हो गया, तो यहाँ पर टोटल कितने क्रोमोसोम रह गए, 2n = 42 - 1 = 41, टोटल 41 क्रोमोसोम रह गए। तो वीट के अंदर भी ये देखा गया और ह्यूमंस के अंदर भी देखा जाता है। क्लियर, अब अगर पेयर का पूरा पेयर ही गायब हो जाए, ठीक है, क्रोमोसोम का पूरा पेयर गायब हो जाए, मान लीजिए यहाँ पर इस टाइप से है, ठीक है, ये पूरा का पूरा पेयर 8th पेयर गायब हो गया, ठीक, तो वो क्या है, वो है मोनोसोमी, वो एक्चुअल में नलिसोमी की कंडीशन। वो कौन सी है, नलिसोमी की कंडीशन है। ठीक है, नलिसोमी की जो कंडीशन है बेसिकली ये हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, ये हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, हमें कुछ एक इंडिविजुअल, ठीक है, जहां पर जैसे कि वीट है,
जैसे कि वीट है, वीट के अंदर क्या है, अगर नली सोमिक कंडीशन हो जाती है, वीट में अगर नली सोमिक कंडीशन हो जाती है तो वहां पर हमें देखने को मिलता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो नॉर्मल नहीं होता है, वो नॉर्मल नहीं होता है। उसके अंदर क्या होता है, जो हाइब्रिड विगर है, ठीक है, हाइब्रिड विगर जो है वो टूट जाता है, हाइब्रिड विगर टूट जाता है, ठीक है, और स्टेरिलिटी की कंडीशन बन जाती है, ठीक है, स्टेरिलिटी की कंडीशन बन जाती है, ठीक है। नॉर्मली जो फर्टिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, हम लोग ये भी बोल सकते हैं। तो मतलब क्या है, उसका विगर जो है वो कम हो जाता है और फर्टिलिटी जो है उसकी वो कम हो जाती है, स्टेरिलिटी की कंडीशन उसके अंदर बढ़ जाती है, ठीक। ये है वीट के अंदर, ये किसके अंदर है, वीट के अंदर। और वीट के अंदर कौन सी कंडीशन है, ये 2N-2, 2N-2 मतलब मोनोसोमी की कंडीशन है ये, क्लियर, सॉरी मोनोसोमी नहीं है ये, नली सोमी है, इसको करेक्ट कीजिए कि ये क्या है, ये नली सोमी है, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं, ये थी हाइपरप्लॉइडी की बात, अब हम बात करते हैं हाइपरप्लॉइडी की। हाइपरप्लॉइडी के अंदर क्या होता है कि जो एक क्रोमोसोम है वो बढ़ जाता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, क्रोमोसोम बढ़ जाता है, तो वहां पर कंडीशन क्या बन जाती है, 2N+1, ठीक है, क्या बन जाता है, 2N+1 की कंडीशन बन जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये ट्राइसोमी है, इस टाइप से ये क्या है, ये किसको शो कर रहा है, ये ट्राइसोमी कंडीशन को शो कर रहा है, क्लियर। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ट्राइसोमी के अंदर क्या हो जाते हैं, पेयर के अंदर 3 क्रोमोसोम आ जाते हैं, ठीक है। और इसको बेलिंग ने डिस्कवर किया था, किसके अंदर, दतुरा प्लांट के अंदर, किसके अंदर, दतुरा प्लांट के अंदर बेलिंग ने इसको डिस्कवर किया, ठीक है, दतुरा प्लांट के अंदर, दतुरा प्लांट के अंदर, दतुरा प्लांट के अंदर क्या होता है, नॉर्मल जो डिप्लोइड कंडीशन होती है उसके अंदर 24 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब 12 पेयर होते हैं, 12 पेयर में हर एक में उसने क्या किया, ट्राइसोमी को करवाया, ट्राइसोमी को कॉज करवाया, और ट्राइसोमी को कॉज करवाने के बाद में इसको क्या मिला कि जो उसका फ्रूट होता है, ठीक है, बेसिकली जो फ्रूट होता है दतुरा का, उसके अंदर उसको काफी ज्यादा जो सिग्निफिकेंस है वो देखने को मिले, क्योंकि दतुरे का जो फ्रूट होता है उसके जो जीन्स हैं वो सारे के सारे क्रोमोसोम के वहां पर कुछ ना कुछ प्रेजेंट होता है, ठीक है, फ्रूट के लिए। तो अगर हर एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम में हम लोग क्रोमोसोम को ऐड करते हैं, ठीक है, तो वहां पर हमें को हमको क्या मिलेगा, हर एक कंडीशन के अंदर जो फ्रूट का शेप है या कलर है वो हमें अलग मिलेगा, ठीक है, किसके अंदर, दतुरा के अंदर, ठीक है। तो दतुरा के अंदर ट्राइसोमी कंडीशन को बताया मैलिस ने। इसके अलावा जो ह्यूमंस हैं उसके अंदर भी ट्राइसोमी कंडीशन देखी जाती है, कहां पर, हम लोग डाउन सिंड्रोम में देखते हैं, ठीक है, वहां पर 21st जो क्रोमोसोम है वहां पर ट्राइसोमी हो जाती है, ठीक है, वहां पर क्या हो जाती है, 21st ट्राइसोमी हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाउन सिंड्रोम बोलते हैं, क्लियर। इसके अलावा जो डबल क्या है हमारे, हम बात करें कि टेट्रासोमी जो है, टेट्रासोमी के अंदर भी बेसिकली क्या होता है कि 2N+2 की कंडीशन बन जाती है, ठीक है, जो पेयर है उसके अंदर 4 क्रोमोसोम हो जाते हैं, ठीक है, पेयर के अंदर 4 क्रोमोसोम हो जाते हैं, तो वो टेट्रासोमी है, ठीक है। और इसके अलावा जो अगर आपको ट्राइसोमी दो जगह देखने को मिलती है तो वो क्या है, डबल ट्राइसोमी है, ठीक। इसके भी क्या होते हैं, बेसिकली जो इफेक्ट्स होते हैं वो डिक्रीज करने वाले इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, अच्छे इफेक्ट नहीं होते इनके। तो ये हमने पढ़ा एन्यूप्लॉइडी के बारे में, ठीक। ह्यूमंस के अंदर हम लोग बेसिकली वैसे पढ़ चुके हैं जो क्रोमोसोम के अंदर चेंज है, हम लोग ह्यूमन जेनेटिक्स के अंदर पढ़ चुके हैं, तो जो न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल म्यूटेशंस हैं जो आपका कवर होता है,